हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग अगेन यहाँ पर ईएससी मेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज, उन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो 2011 में पूछा गया था, और क्या बोल रहा है, एक 45 डिग्री सेक्टर गेट है जो कि क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे पे रखा गया है। द वॉटर इज अप टू द मिड पॉइंट ऑफ द गेट। तो ये सब बातें लिखी हुई है, एंड ऑफकोर्स सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम के लिए काम करता हूँ, सबसे पहले मैं 45 डिग्री का एक गेट बना देता हूँ। लेट दिस इज योर गेट, ठीक है, और इसको कहाँ रखा गया है, तो दिस इज एट द क्रेस्ट ऑफ योर स्पिलवे। तो मैं मान लेता हूँ दिस इज योर स्पिलवे। हमें स्पिलवे से मतलब नहीं है, खैर अभी यहाँ पर इससे मतलब है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो पर्टिकुलर एंगल है, दिस एंगल इज योर 45 डिग्री। और अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, चलिए देखे, तो ये मैंने एक अभी लाइन बनाई है, और यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ तो ये जो सेंटर आ रहा है यहाँ तक पानी है। कहाँ तक पानी है, ये मिड पॉइंट तक पानी है। तो वाटर लेवल मैं दिखा देता हूँ, ये है वाटर लेवल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं सेंटर को O, और नाम दे देते हैं O A B, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं C, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर आगे क्या बोल रहा है। द रेडियस इज 2 मीटर, ये 2 मीटर दिया है इसका रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और आगे बोल रहा है विड्थ ऑफ द गेट इस डायरेक्शन में कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये दो हमको डायमेंशंस दिए हुए हैं। अच्छा, जी की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन में, 10 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, 10 नंबर से ज्यादा डिजर्व करते थे अगर आप इसको ढंग से सॉल्व कर पाते हो तो। लेकिन क्या, ठीक है, एग्जाम था, 10 नंबर बोला गया था, तो मैक्सिमम 10 नंबर ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स निकालने का बोल रहा है, निकालने का क्या वहां बोला है, हाँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोला गया है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना मतलब मेरे को क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल फोर्स भी निकालने होंगे। तो देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालता हूँ, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू एच बार इंटू एरिया, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया अगर मैं पूछता हूं तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूं यहां पर एज दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो हमारा फ्लूइड का, वाटर का, इसके कांटेक्ट में है, इसको मैं लिख देता हूं एज योर एक्स। इसको मैंने लिख दिया है एज एक्स। अब यही एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये पता है ऑलरेडी दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 45, दैट इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, कौन सा, ए ओ सी ट्रायंगल में, लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी 10, क्योंकि देखिए यहां पर अभी मेरे को ऑलरेडी क्या पता है, तो मेरे को ये पता है ए ओ, बट ये ए ओ क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी और हाइपोटेनियस, तो 10 से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। मेरे को हाइपोटेनियस पता है, और मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लिए होता है साइन, तो साइन 22.5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हियर इज ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है, तो दैट इज योर ए ओ, ए ओ इज नथिंग बट दैट इज अ रेडियस। इसका मतलब मैं यहां से ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, एंड ए सी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर एक्स। ए ओ की वैल्यू है 2 मीटर का रेडियस दिया है, तो 2 × sin 22.5 डिग्री, इसको कैलकुलेट इजीली आप लोग कर सकते हो, और एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एज 0.765 मीटर। सो दिस इज योर एक्स। अब यहां से अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द एच बार, तो एच बार की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.765 बाय 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहां पर हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स निकालता हूं, तो हॉरिजॉन्टल एफ एच लिख रहा हूं अगर मैं, तो गामा की वैल्यू देखिए यहां पर लिखना है, डेंसिटी पता है, जी पता है, गामा इज इक्वल टू होता है रो जी, सो लिख देता हूं 1000 इज योर रो, दैट इज इन केजी पर मीटर क्यूब, जी इज इक्वल टू 9.79, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रो जी एच बार की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.765
बाय टू, और एरिया कितना होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ये एक्स इंटू अंदर की तरफ 10 मीटर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 0.765। सो इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे अगर, तो कैलकुलेट करके हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू मिल जाती है आपको एज 28.65 किलो न्यूटन। देखिए वैसे कैलकुलेट करके न्यूटन में आएगा आंसर, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन में। तो ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वर्टिकल फोर्स की, तो देखिए वर्टिकल फोर्स के लिए आप लोगों को पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर ए बी पर एक्ट करेगा वर्टिकल फोर्स, और ए बी के ऊपर ऊपर कितना पोर्शन है जहां तक फ्लूइड है, तो वो ये पोर्शन है, ठीक है। तो हमें यहां पर जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो वर्टिकल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम होता है। कौन सा वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, तो ये ध्यान दीजिएगा यहां पर ये वॉल्यूम कैलकुलेट आपको करना चाहिए। लेकिन अब ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे आप लोग, यहां पर सबसे पहले ये वॉल्यूम ही निकालते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं दैट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ, नाम क्या दिया उस पर्टिकुलर पोर्शन का, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का नाम है ए बी सी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी को क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ, देखिए इसमें से क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ ओ बी ए सेक्टर माइनस दिस ट्रायंगल। तो ओ बी सी और ओ सी ए, चलिए देखते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ ओ बी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ ओ बी सी ही बड़ा है, हाँ ओ बी सी बड़ा है और ओ सी ए छोटा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ओ सी ए यहां पर छोटा पोर्शन है जिसको आपको ओ सी ए, अच्छा नहीं सॉरी ओ सी ओ बी ए था आपका बड़ा, यहां पर जो सेक्टर बन रहा था ओ ए बी था सेक्टर, तो इसको लिख देता हूं ओ बी ए, ठीक है। अच्छा यहां पर ये बताओ रो जी की वैल्यू बाद में पुट करता हूं, पहले वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ओ बी ए क्या है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज योर सेक्टर, और सेक्टर में आप लोगों को पता है एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई टू स्क्वायर, ये एरिया होता है फॉर 360 डिग्री। अभी फिलहाल सेंट्रल एंगल कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 22.5। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ योर सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया, यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, और वो ट्रायंगल में अगर चेक करेंगे आप, तो ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस आप लोगों को यहां पर निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिख देता हूं, मुझे ऑलरेडी क्या पता है, ये परपेंडिकुलर पता है और ये नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0.765 बाय बेस इज योर ओ सी इज इक्वल टू 10 22.5। सो यहां से आप ओ सी की वैल्यू निकाल लोगे, और ओ सी क्या है यहां पर, दैट इज द बेस, ठीक है। तो बेस ओ सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0.765 डिवाइडेड बाय 10 22.5 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं, या फिर इसी को कुछ चेंज कर सकते थे कॉस के दम में, तो ये 2 आ जाता था। सो 0.765 डिवाइडेड बाय 10, ये यहां पर हम लोग लिख देते हैं 0.765 डिवाइडेड बाय 10 22.5 इनटू बेस की वैल्यू, ये हो गई हाइट की वैल्यू कितनी है यहां पर 0.765। ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बाहर एक ब्रैकेट लगाया है, एरिया लिख दिया आपने, साथ में लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लेंथ की वैल्यू कितनी बोल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 10। रो की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, रो की वैल्यू तो पता है, अच्छा जी की वैल्यू देखिए यहां पर क्या लिखी थी आपने, गलत तो नहीं किया है, 9.79 बोला गया था, वो ही ध्यान रखना था यहां पर। तो लिख देता हूं इधर, रो की वैल्यू आप लोग जानते हो 1000 है, जी की वैल्यू आपको दे दी है 9.79। ये दोनों ही कैलकुलेट कर लोगे, और दोनों ही कैलकुलेट करने के बाद आप फाइनल यहां पर जब कैलकुलेट करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 7.773
किलो न्यूटन विल बी योर वर्टिकल फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो आप लोग बिल्कुल जानते हो, दैट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 7.773 होल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आया था, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू 28.65 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी कमिंग एज 29.69 किलो न्यूटन। यही खैर आपको पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और आप लोगों ने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन खैर 10 नंबर का था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग स्टेप्स लिखना चाहे तो आप इसी को फाइनली यहाँ पर इसके बाद एक सेंटेंस लिख देंगे, दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट इज दिस मच। ठीक है, सॉल्यूशन आना जरूरी था, स्टेप्स आप लोग खुद ही लिख सकते हो। आगे बढ़ता हूं मैं फिलहाल यहाँ पर अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगला न्यूमेरिकल जो है वो 6 नंबर का पूछा गया था 2012 में, बिल्कुल भी 6 नंबर के लायक नहीं था ये क्वेश्चन भी। ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब क्वेश्चंस आते हैं बहुत कठिन बन के आते हैं, लंबे बन के आते हैं, कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ तभी आप अटेम्प्ट करोगे जब आपके बाकी के क्वेश्चंस हो गए हो, लेकिन हाँ, हमें अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अभी ये मार्क्स को मत देखना, क्योंकि ऑफकोर्स अगर सिर्फ 6 नंबर को देखते तो शायद आप अटेम्प्ट नहीं करते, बट फिर भी हम लोग अभी यहाँ पर अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं, इसलिए इस मार्क्स को यहाँ पर आप नहीं देखोगे। देखते चलिए आगे क्या बोल रहा है। रेक्टेंगुलर गेट ऑफ विड्थ 5 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर इज इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द डिस्चार्ज एज शोन इन फिगर बिलो। द एंड बी इज हिंज्ड, डिटरमाइन द फोर्स नॉर्मल टू द गेट अप्लाइड एट ए। मतलब यहां से मेरे को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये पी कितना लगाना पड़ेगा टू ओपन इट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मेरे को यहां से बताएंगे कि वर्टिकल फोर्स कितना लगेगा या फिर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, तो दैट इज इक्वल टू रो जी इंटू एच बार इंटू ए, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा, एच बार कहां होगा ये आप लोगों को यहां पर नहीं पता है, तो एच बार की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले इसका सी जी कहां होगा ये बता दो, ये डिस्टेंस टोटल पता है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालने के लिए क्या करूंगा, यहां से एक सिंपली यहां पर लाइन खींच देता हूं वर्टिकल। ये डिस्टेंस पता है आपको 3 है, ठीक है, और ये एंगल पता है 45 डिग्री, तो हाइपोटेनियस निकाला जा सकता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 3 अपॉन हाइपोटेनियस इज योर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 डिग्री। अच्छा, AC की वैल्यू इधर से क्या मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू योर रूट 2 इंटू 3। तो ये हमारा AC की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये तो AC की वैल्यू है और H बार की वैल्यू कहां होगी, तो इसके लिए चेक करेंगे। तो यहां आपको ये तो पता है कि ये टोटल डिस्टेंस AC कितना है, AB की वैल्यू भी पता है, तो मुझे ये बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BC। BC विल बी इक्वल्स टू योर AC माइनस AB, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 3 माइनस 1.5 मीटर। अच्छा, मेरे को यहां पर अब ये भी बताओ कि BC की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो ये डिस्टेंस जिसको मैं लिख देता हूं हमारा y बार cg का कितना डिस्टेंस है इंक्लाइंड में, तो y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, तो दैट विल बी इक्वल टू bc प्लस 1.5 का आधा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.75 माइनस 1.5 प्लस 3 root 2। तो इसको जब कैलकुलेट करोगी तो दैट विल बी इक्वल टू 3 root 2 माइनस 0.75। अच्छा, ये वाई बार की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं यहां पर देखेंगे। यहां पर सबसे पहले मेरे को चलो अब ये बता दो कि ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3, मुझे ये भी पता है खैर कि ये तो वाई बार हो गया, मेरे को चाहिए था यहां तक की डेप्थ। ठीक है, वैसे करना चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि ये आपको पता है ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां पर सीजी लिख रहा हूं तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.75।
ठीक है, तो बस उतने को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एंगल आपको पता है दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो सिंपली अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये पॉइंट दे देता हूँ एज ए बी सी, तो दिख ही रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ एज डी, इसको मैं लिख देता हूँ एज ई, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता था दैट योर, मुझे ये वैल्यू चाहिए ए डी की वैल्यू, ऑलरेडी मेरे को किसकी वैल्यू पता है ए ई की, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट कॉस 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, बेस क्या दिख रहा है यहां पर, तो बेस इज योर ए डी, ए डी अपॉन हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, तो दैट इज ए ई। अच्छा यहां से चलो बोलो व्हाट विल बी ए डी, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ए ई इज योर 0.75 बाय रूट 2। सो हेंस यू कैन हियर से दैट एच बार विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस ए डी, क्योंकि ये डिस्टेंस हो जाएगा एच बार की वैल्यू, ये एच बार हो जाएगा यहां पर, तो एच बार ये हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 0.75 बाय रूट 2। तो बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके आपको यहां पर एच बार की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल कम टू बी 2.4697 मीटर, ठीक है। इसको यहां पर ऐसे लिखे रहने देते हैं और अब कैलकुलेट कर लेते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर फोर्स। तो फोर्स विल बी इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला रो जी एच बार इंटू ए, रो की वैल्यू पता है 1000 है, जी की वैल्यू नहीं दी तो स्टैंडर्ड ले लोगे 9.81, एच बार की वैल्यू पता है आपको दैट इज इक्वल टू 2.4697 इंटू एरिया, एरिया कितना होगा तो इस पर्टिकुलर गेट का सिर्फ एरिया निकालना है आपको, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 × 5। So, बस इसको कैलकुलेट कर लोगे तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी बट दैट विल बी इन न्यूटन, इसी को आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी इन किलो न्यूटन एंड दैट विल बी इक्वल टू 181.71 किलो न्यूटन। अच्छा इसके अलावा यहां पर आपको जब अप्लाइड फोर्स निकालना है तो आपको मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा अबाउट द हिंज, उसके लिए क्या करें लाइन ऑफ एक्शन निकाल ले। लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालेंगे तो एच सी पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। फॉर्मूला क्या होता है एच सी पी का, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इंटू ए। अच्छा एच बार की वैल्यू कितनी है तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो दैट इज इक्वल्स टू योर 2.4697 प्लस आई सी जी फॉर दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। बी की वैल्यू कितनी दिख रही है तो दैट इज योर 5 into 1.5 cube by 12। अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है तो दैट इज योर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिख देता हूं। एच बार की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में दैट इज इक्वल टू 2.4697 और एपी प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू कितनी दिख रही है तो प्रोजेक्टेड एरिया सॉरी एपी नहीं लिखना है यहां पर तो दैट विल बी इक्वल टू 5 × 1.5। तो बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से आपको एच सी पी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी एंड दिस एच सी पी विल कम अप टू बी 2.508 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो 2.508 है लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारा वाटर लेवल है, ये पॉइंट मैंने दे दिया है बी और ये पॉइंट आगे चल के बन रहा है ए, ठीक है। तो इधर कहीं आ रहा है हमारा एच सी पी कितने डिस्टेंस पर 2.508 पे है ना, तो हमें क्या निकालना है हिंज कहां है, हिंज बी पर है तो मुझे ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बिकॉज दिस विल बी और लीवर आर्म, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर निकाल लेता हूं कि 2.508 अगर ये है तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं एज योर पॉइंट, इसके लिए नाम दे देता हूं पॉइंट पी, मुझे निकालना है ये पॉइंट था सी, मुझे निकालना है पी सी, तो पी सी कैसे निकालेंगे, ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है 45 डिग्री, पी सी निकालना दैट इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी पता है तो साइन 45 डिग्री इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज योर पी, ऊपर पता नहीं क्या है बट दैट इज योर एच सी पी, सो 2.508 इज योर
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है, PC। सो यहां से आप PC की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन PC की वैल्यू निकल गई है तो आप मेरे को ये बताओ व्हाट इज द लीवर आर्म, लीवर आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये PB हो जाएगा, है ना। एंड अगर लीवर आर्म निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले BC माइनस कर देंगे। ये रही BC की वैल्यू, ये रही BC की वैल्यू, तो दैट कैन बी रिटन एज योर PC जो आपने निकाला यहां से माइनस BC। तो बस यही लीवर आर्म पहले कैलकुलेट कर लिया आप लोग, लीवर आर्म की वैल्यू क्या आ जाती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म विल कम अप टू बी 0.804, ये आ जाएगा आपका लीवर आर्म। ठीक है, आपको यहां पर फोर्स निकालना है, लेकिन फोर्स कहां लगाया गया है, ए पर, और बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है 1.5। तो अगर मैं यहां पर मोमेंट इक्वेट करता हूं फॉर इक्विलिब्रियम, तो देखिए एक तो फोर्स लग रहा है आपका आपका ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कितना डिस्टेंस मैंने बोला 0.80, और पी अगर आपने फोर्स लगाया है तो वो कितने मीटर डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है 1.5। ठीक है, तो ये 0.804 पता था। अच्छा, फोर्स आपने निकाला है 181.71, तो बस उसी को यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं 181.71 into 0.804 is equals to P into 1.5। तो यहां से आप इजीली ये पर्टिकुलर P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 97.4 किलो न्यूटन। यही खैर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कैलकुलेशन इजीली हो जाता है, बट कैलकुलेशन होने में गलतियां भी बहुत सारी हो सकती है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करना कि लास्ट में अटेम्प्ट करें आप। खैर, आप लोग ऐसे यहाँ पर टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनके क्वेश्चंस को आपको बाद में करना है। चलिए खैर, अभी आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, अगेन 10 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू टॉपल द रेक्टेंगुलर फ्लैश बोर्ड। ठीक है, एक काम करता हूं यहां पर, मुझे यहां पर कितना डेप्थ चाहिए वो है डी, और ये मेरे को पता है एल है। तो सबसे पहले मैं यहां पर निकाल लेता हूं दैट व्हाट विल बी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोग बिल्कुल जानते हो दैट इज इक्वल टू रो जी इंटू एच बार इंटू एरिया होता है। अच्छा, एक काम करता हूं, रो जी यहां पर वाटर दिया है तो उसकी वैल्यू से बाद में पुट करेंगे, लेकिन एच बार क्या होगा, अगर यहां पर ये टोटल डिस्टेंस है एल, तो एच बार कहां आएगा, ये एल बाय टू पर। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर ये चेक करें हम लोग, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो 50 डिग्री, ये आपको पता है डी है। ठीक है, तो अभी यहां पर मेरे को ये बताओगे कि सी जी तो यहां होगा ना एल बाय टू पर, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स मुझे ये पता है कि L by 2, अगर मैं निकाल लेता हूं L by 2 के लिए करस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस को अगर मैं मान लेता हूं लेट दिस बी x, तो चलो बोलो यहां पर वो एंगल पता है 50 डिग्री है, और मेरे को निकालना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ऑलरेडी पता है, तो मैं लिख देता हूं साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है x इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, x इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज L by 2। So, x की वैल्यू आ जाएगी L by 2 sin 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और, चलो बताओ ये तो हो गया x की वैल्यू, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है h bar की वैल्यू, ये बाकी की बच गई, तो what will be our h bar, h bar will be equals to d minus x। ओके फाइन, यहां पर लेकिन d की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आप लोगों का, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो that will be equals to L साइन 50 डिग्री माइनस एल बाय टू साइन 50 डिग्री, बस डी को आपने लिख दिया यहां पर एल साइन 50 डिग्री, तो एच बार की वैल्यू आ जाएगी एज एल बाय टू साइन 50 डिग्री। ये तो ठीक है हमारी पहली कैलकुलेशंस। अब यहां एच बार की वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर एल बाय टू साइन साइन 50 डिग्री, एरिया बोलो कितना हो जाएगा, तो एक्सपेक्ट करेगा तो दैट विल बी इक्वल टू एल इनटू वन, वन में यहां पर ले लेता हूं पर यूनिट विड्थ।
ठीक है। ये तो मेरे को पता चल गया है कि ये फोर्स है, लेकिन मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि ये फोर्स लग कहां रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हिंज दिया हुआ और इसके अबाउट ये टॉपल कर सकता है। तो सबसे पहले सीपी कैलकुलेट करते हैं। एच बार की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज इक्वल्स टू योर एल बाय टू साइन 50 डिग्री माइनस सॉरी प्लस ICG की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, तो ICG की वैल्यू आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू L, B दिख रहा है यहां पर 1, D दिख रहा है L क्यूब इंटू 1 बाय 12 इंटू एंगल कितना दिख रहा है इंक्लाइन इंक्लिनेशन का, तो दैट इज योर 50 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिख रहा है अपॉन H bar इज नथिंग अगेन दैट इज इक्वल्स टू L बाय 2 साइन 50 डिग्री इंटू ए एरिया। अब एरिया कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू 1। इसी को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके देखिए ये वैल्यू आ जाती है L बाय 2 साइन 50 डिग्री और इसी को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा एज L बाय 6 साइन 50 डिग्री। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये HACP की वैल्यू आ जाती कितनी 2/3 ऑफ L साइन 50 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारे पास HACP की वैल्यू, लेकिन HACP समझिएगा यहां पर कि अगर मान लीजिए मैं एक काम करता हूं वापस से अलग यहां पर आपको डायग्राम बना के दे देता हूं। मान लेते हैं ये है HACP, दिस इज HACP वर्टिकल डिस्टेंस, और ये अगर HACP है तो HACP की वैल्यू कितनी है ये है। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर P, जबकि इसके नीचे यहां पर आ रहा है अपना हिंज। अच्छा, हिंज का नाम दे देता हूं मैं A और ये नाम दे देता हूं B, इसका नाम दे देता हूं C। तो यहां पर ये हिंज आ रहा है, ये है आपका C, दिस इज योर C, और इधर और नीचे आ रहा है दैट इज योर B। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले निकाल लेते PC की वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स मुझे यहां पर लीवर आर्म कैलकुलेट करना है और लीवर आर्म इधर इस डायरेक्शन में आएगा। सो व्हाट इज लीवर आर्म हियर, लीवर आर्म हियर इज योर AP। ठीक है, तो उसके लिए पहले PC निकाल लेते हैं। ये एंगल मेरे को पता है 50 डिग्री है, ये डिस्टेंस मेरे को पता है HCP है, तो व्हाट विल बी योर साइन 50 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू HACP दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज PC। सो PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, HACP अपॉन साइन 50 डिग्री, HCP ये है, तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 ऑफ L। ठीक है, तो अब ये बता दो लीवर आर्म कितना है, दैट इज AP। तो इधर मैं और कैलकुलेशन कर लेता हूं, लीवर आर्म विल बी इक्वल्स टू AP एंड दिस AP विल बी इक्वल्स टू, AP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बोलो, चलो AP विल बी इक्वल्स टू दिस टोटल L माइनस दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सो टोटल इज योर BC माइनस PC माइनस AB। ठीक है, ये बता दो BC की वैल्यू टोटल कितनी है, दैट इज L माइनस PC की वैल्यू कितनी है 2/3 L, और AB की वैल्यू कितनी है दैट इज 2। सो AP दैट इज लीवर आर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू L बाय 3 माइनस 2। यही आपको कैलकुलेट करना था सबसे पहले। तो चलिए लीवर आर्म आपको पता है ऑलरेडी, तो आप यहां पर लिख सकते हो दैट योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इनटू लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू L बाय 3 माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर आपने कोई अलग फोर्स तो लगाया नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये यहां पर कोई आपने अलग फोर्स लगाया नहीं, तो जितना भी फोर्स लगा है वही इसको बैलेंस करना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। सो L बाय 3 विल बी इक्वल्स टू 2 और L की वैल्यू क्या आ जाएगी एज 6 मीटर। अच्छा, L की वैल्यू अगर 6 मीटर आ जाती है तो यहां से आप बोल सकते हो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, फोर्स के लिए मैंने फॉर्मूला निकाला था, यहां पर फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, ये आया था। ठीक है, तो रो जी एल स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 50 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं रो जी एल स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 50 डिग्री। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं,
रो की वैल्यू पता है 1000 है, जी की वैल्यू पता है 9.81 है, एल की वैल्यू पता है 6 स्क्वायर है, साइन 50 डिग्री आप कैलकुलेट कर ही लोगे कैलकुलेटर से बाय 2। तो यहां से जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस फोर्स विल कम अप टू बी 135.27 किलो न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, इसी के अलावा रिएक्शन, ये तो हमारा टोटल फोर्स हो गया है। एंड देखिए यहां पर यही पूछा गया था, रिएक्शन एट द हिंज, तो वही होगा टोटल। इसके अलावा हो सकता है आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालना पड़े, तो देखिए हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहां पर एक्ट कर रहा है आपका ये कुछ इस डायरेक्शन में, दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल निकालना है तो क्या करेंगे, ये एंगल का थीटा मल्टीप्लाई कर दो, बट ये एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर 90-50 दैट इज 40, तो मैं इस डायरेक्शन में लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू योर एफ साइन 30 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो एफ एच विल बी इक्वल्स टू एफ साइन 50 डिग्री, कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर वर्टिकल फोर्स निकालने का बोला जाता है तो दैट विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस 50 डिग्री, एफ की वैल्यू ऑलरेडी पता है, एफ को लिख दो या फिर पी लिखा है यहां पर, खैर उसको करेक्ट कर देता हूं, चलिए एक बार, तो दैट विल बी इक्वल्स टू योर एफ, वर्टिकल फोर्स पता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पता है, और यही सब कुछ आपको कैलकुलेट यहां पर करना था। अच्छा, डी की वैल्यू हो सकता है कभी पूछ लेता, तो डी की वैल्यू बिल्कुल आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते थे, इजी था ये सब कुछ कैलकुलेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने मार्क्स दिए गए उससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हाँ, करना किस तरह से चाहिए वो मैं आप लोगों को बताना है, अगर आप लोग स्पीड मेंटेन कर पाते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो ऑफकोर्स इसको आज भी अटेम्प्ट करें, किस तरह से करना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हैप्पी इंजीनियरिंग।